हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहाँ गेहूँ के ज्वारे काम आते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, गेहूँ का ज्वारा यानी गेहूँ के छोटे छोटे पौधों की हरी हरी पत्ती, जिसमें शुद्ध रक्त बनाने की अद्भुत शक्ति होती है। तभी तो इन ज्वारों के रस को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। इसे ग्रीन ब्लड कहने का एक कारण ये भी है कि रासायनिक संरचना पर ध्यान आकर्षण किया जाए तो गेहूं के ज्वारे के रस और मानव रक्त दोनों कहीं पीएच फैक्टर 7.4 ही है, जिसके कारण इसके रस का सेवन करने से हमारे रक्त में अवशोषण शीघ्र हो जाता है, जिससे रक्त कल्पना यानी कि अनिमिया और पीलिया यानी कि जॉन्डिस रोगों के लिए ये ईश्वर प्रदत्त अमृत हो जाता है। गेहूं के ज्वारे का रस का नियमित सेवन और नाड़ी शोधन व्यायाम से मानव शरीर के समस्त नाड़ियों का शोधन होकर मनुष्य समस्त प्रकार के रक्त विकारों से मुक्त हो जाता है। गेहूं के ज्वारे में पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो तेजी से रक्त बनाता है, इसलिए तो इसे प्राकृतिक प्रमाणों की संज्ञा भी दी जाती है। गेहूं के पत्तियों के रस में विटामिन बी, सी और ई प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप भयंकर से भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं और डॉक्टर भी इसके कई दिनों से इलाज कर रहे हैं और आप दवा ले लेकर थक चुके हैं, तो आपके लिए गेहूं का ज्वारा बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कैंसर किलर है। कैंसर के मरीजों को ये नियमित रूप से लेना चाहिए। ये मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान माना जाता है। ये खून की कमी को चमत्कारी रूप से कम करता है। ये हृदय रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान है। ये शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मोटापे के रोगियों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ा देता है। खिलाड़ियों के लिए ये वरदान है। त्वचा संबंधित रोगों में भी वरदान माना जाता है। शरीर की दुर्गंध को दूर करता है, बुढ़ापे को रोकता है, वीर्य की कमी को पूरा करता है। ऐसे ढेरों गुण पाए जाते हैं इसमें। आयुर्वेद में ये माना गया है कि गेहूं घास के सेवन से कोष्ठबद्धता, एसिडिटी, गठिया, भंगदर, मधुमेह, बवासीर, खांसी, दमा, नेत्र रोग, म्यूकस, उच्च रक्तचाप, वायु विकार में जबरदस्त लाभ होता है। इस रस के सेवन से अपार शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है तथा मूत्राशय की पथरी के लिए तो ये रामबाण है। अब आपको बताते हैं कि इसका सेवन कैसे करना चाहिए। गेहूं के ज्वारे से रस निकालते समय ये ध्यान रहे कि पत्तियों में से जड़ वाला सफेद हिस्सा काट दिया जाए। केवल हरे हिस्से का ही रस सेवन कर लेना चाहिए, विशेष लाभकारी होता है। रस निकालने के लिए ज्वारे को धो भी लेना चाहिए। ये ध्यान रहे कि जिस ज्वारे से रस निकाला जाए उसकी ऊंचाई अधिकतम 5 से 6 इंच ही होनी चाहिए। आप 15 छोटे छोटे गमले लेकर प्रतिदिन एक एक गमले में करीब 50-50 ग्राम गेहूं रोजाना क्रमशः छिड़क दें। जिस दिन आप 15 गमले में गेहूं डालें, उस दिन पहले दिन वाला गेहूं का ज्वारा रस निकालने लायक बन जाएगा। ये ध्यान रहे कि ज्वारे की जड़ वाला हिस्सा काट कर फेंक दें। पहले दिन वाले गमले से जो गेहूं उखाड़ा जाएगा, उसी दिन उसमें दूसरा पुनः गेहूं बो देंगे। ये क्रिया हर गमले के साथ नियमित रूप से करें और आपको गेहूं का ज्वारा नियमित रूप से मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।